अगर मैं कहूँ कि एक किताब है पूरी लक्ष्मीकांत है, तो अगर आप उसको एक बार में देखेंगे आपको लगेगा भाई इसको तो महीना लग जाएगा ख़त्म होने में। तो मैं उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेती थी कि 5 दिन है और 5 दिन में मैं उसके हिस्से डिवाइड कर लेती थी, उस हिसाब से मैं कवर तो करती थी। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना उनको बहुत अच्छे से किया। सो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत अच्छे से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के उनको कंप्लीट करती थी, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करती थी। बस मैं मुझे पढ़ने का शौक़ है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, बुक्स, न्यूज़पेपर्स तो मैं पढ़ती थी, तो वो धीरे धीरे करके वो हैबिट थी। जो क्योंकि इकॉनमी और IR की जो टॉपिक्स होते हैं मैंने अखबार में जो होते हैं, वो हर हर एक को नहीं समझ में आते हैं, स्पेशली हिंदू से नहीं आते समझ। हमें हमें भी भी थोड़ा फ्री टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वरना पढ़ पढ़ के हमारा भी दिमाग ख़राब होता है। आपको 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ती थी, बट वो मैं कंसिस्टेंटली देती थी, हर रोज़ देती थी। कोई ऐसा नहीं होता था कि मैं आज छोड़ दूँ पढ़ाई, कल नहीं करेंगे। शुरुआत में तो पेज टू पेज पढ़ना ही पड़ता है और शुरुआत में बहुत टाइम भी लगता है किसी भी बुक को कवर करने में, और आप जब दोबारा आते हो उन्हीं सेम बुक्स पे तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो अभी भी। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कई दिनों से UPSC की इस दुनिया में एक नया ही माहौल बना हुआ है। UPSC का रिजल्ट आया, उसके बाद अभी प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में पैटर्न चेंज होने की बात हुई, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मैम हैं, मैम की ऑल इंडिया रैंक 57 है और मैम ने ये मुकाम फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल किया है। मैम तो सबसे पहले मैम अपना इंट्रो दीजिए और एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी, मैंने अपनी स्कूलिंग बरेली से की थी एंड उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जीसस एंड मेरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA ऑनर्स सोशियोलॉजी किया था। आई ग्रेजुएटेड इन 2021 एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट मैम, फर्स्ट अटैम्प्ट था आपने ग्रेजुएशन अभी की होगी, कौन सी ईयर में की थी? 2021, एक साल में जस्ट क्लियर किया है मैम। उसके बाद आपने बड़ी मतलब कि 3 साल में पढ़ा या फिर कैसे इस अपनी जर्नी को अंजाम दिया? जी, मैंने 3 साल में थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी। मैं जनरल नॉलेज भी पढ़ती थी और थोड़ी NCERT से मैंने कंप्लीट की थी, बट उसके बाद मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था 2021 to 22 एंड उसमें मैंने लग के एक साल तैयारी की थी एंड उसके बाद अटेम्प्ट किया था। अभी प्रीलिम्स जो हुआ है उसमें पैटर्न चेंज होने की बात आई है। आपने भी ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे और प्रीलिम्स भी दिया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस समय का और आपने तैयारी कब से शुरू की, मतलब कि एकदम लग के जो तैयारी होती है उसको शुरू कहाँ से किया आपने? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2021 के बाद एक साल का जो ड्रॉप लिया था उसमें मैंने लग के तैयारी की थी एंड एज यू सीइंग पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो लास्ट ईयर भी थोड़ा सा हुआ था बट इस साल उन्होंने थोड़ा सा और उसको लेवल अप कर दिया है। मतलब मेरा मानना ये है कि अभी जैसे UPSC भी अपने आप को चेंज कर रहा है तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बस। अच्छा, तो मैम आपकी 57th रैंक है, जब रिजल्ट आया पहला अटेम्प्ट था 57th रैंक देखकर कैसा लगा और परिवार में उस दिन का क्या माहौल रहा? और आप अभी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, तो उस दिन का क्या माहौल रहा? उस दिन तो खैर बिलीव नहीं हो रहा था मुझे, जब तक मैंने PDF कहीं कम से कम 4-5 बार नहीं देख ली थी, तो थोड़ा सा अच्छा मतलब अनबिलीवेबल सा मोमेंट था, काफ़ी अच्छा मोमेंट है अब जो मैं रिकॉल करती हूँ उसको। बाकी घर में सब लोग बहुत खुश थे, मेरे सारे रिलेटिव्स काफ़ी दूर से आए थे मुझसे मिलने के लिए एंड वो काफ़ी बहुत प्राउड मोमेंट भी था मेरे पेरेंट्स के लिए। तो मतलब 2-3 दिन तक तो लगा ही नहीं कि रिजल्ट भी आ गया और रैंक भी आई है, तो काफ़ी काफ़ी सरियल सा एक ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर हजार से भी ज्यादा निशान। GS Score. मैम यदि बात करें आपके मतलब की जर्नी की,
तो ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की होगी या फिर एक साल जो ड्रॉप लिया उसमें एक साल का ड्रॉप लिया तो उसके बाद जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया, लोग 7 अटेम्प्ट देते हैं, 8 देते हैं, 9 देते हैं, तब तक प्रीलिम्स भी नहीं होता, तो आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया कि 57th रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में लिए? आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना उनको बहुत अच्छे से किया. सो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत अच्छे से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के उनको कंप्लीट करती थी, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करती थी, एंड उसका क्यूमुलेटिव एक इफेक्ट था जो शायद मेरी परफॉर्मेंस में था. बट मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो डेली का परसिस्टेंट एफर्ट था, कंसिस्टेंट रह के मैंने पढ़ाई की थी, उसका थोड़ा सा रहा है कि फाइनली मैंने सारी स्टेजेस क्लियर कर पाई. और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं बट हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ओवरलुक कर देते हैं. तो इस एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, अनलेस आई मीन नॉट रियली कि आप सब चीज़ें पढ़ें, मतलब बहुत सारा हो जाएगा, आप सब कुछ कवर तो नहीं कर सकते. सो आप इंश्योर कीजिए कि आप वही पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी चीज़ें रहने दीजिए. सो बस यही सब चीज़ें. मैम बात आती है ग्रेजुएशन की, आपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले लगभग स्टूडेंट्स के बारे में बोला जाता है कि 80-90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो UPSC करने के लिए आते हैं. तो आपके साथ भी कई ऐसे एस्पायरेंट आपके साथ ही होंगे जो तैयारी कर रहे थे लेकिन आपने सफलता हासिल की है. तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कैसे स्टार्ट की, उसके साथ आपने ऐसा क्या किया कि उसने तैयारी को है जो और मज़बूत बनाया आपकी, इसमें एग्ज़ाम में उसने हेल्प की, तो आपने ऐसा क्या किया ग्रेजुएशन के साथ साथ? और ग्रेजुएशन में जो आपके आपने बताया सोशियोलॉजी में बी ऑनर्स किया था, तो वो आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था क्या? मेरा बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, वही मेरा ऑप्शनल भी था. तो डेफिनेटली मेरा ग्रेजुएशन ने मुझे सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प किया. उसके साथ साथ क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता था, आप अलग अलग बुक्स पढ़ते थे नॉन फिक्शन, जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे GS की अंडरस्टैंडिंग पे भी रहा, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला उससे. और क्योंकि मैं नॉन फिक्शन बुक्स काफ़ी पढ़ती थी, उसकी वजह से मेरा एसे में भी थोड़े यू नो आइडियाज़ में थोड़ा हेल्प मिलती थी. आइडियाज़ आई मीन एसे हो गया, एथिक्स हो गया. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ग्रेजुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. अच्छा, तो उसने आपने जैसे फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर से मतलब कि नॉन फिक्शनल बुक्स हो गई या फिर ऑप्शनल का आपने सिलेबस वगैरह कवर किया, कैसे किया मतलब कि शुरुआत कैसे किया? एक ग्रेजुएशन में जो DU में स्टूडेंट आए वो आपको देखकर मतलब कि किस प्रकार है जो तैयारी शुरू करे? नहीं, मैंने कुछ सिलेबस कवर करना शुरू नहीं किया था, मैं बस अपना जो कॉलेज का होता था सिलेबस वो करती थी आराम से. और मैंने कुछ वो नहीं किया था कि मैंने कोचिंग वगैरह का स्टफ, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा था. मैं बस अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर रही थी और साइड बाय साइड बस मुझे पढ़ने का शौक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, बुक्स, न्यूज़पेपर्स मैं पढ़ती थी. तो वो धीरे धीरे करके वो हैबिट थी जो कि मैंने ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यू रखी. एंड मैंने ये नहीं रखा था कि एम कि मैं साइड बाय साइड अपनी बुक्स पढ़ूंगी और भी UPSC का मटेरियल पढ़ूंगी, ऐसा नहीं किया था. वो सब कुछ मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद किया. बट वो जो 3 साल का मुझे नॉलेज मिला बहुत अलग अलग सोर्सेज से, मेरे खुद के सब्जेक्ट से, उसने काफ़ी हेल्प की मेरे को मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. और व्हेन इट कम्स टू UPSC का जो सिलेबस है वो सब मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद ही कवर किया अच्छे से, उन सब चीज़ों को एक सोर्स जितने थे पहले पुराने उन सबको दोबारा से मैंने कुछ नोट्स के थ्रू अपने आप बनाए एंड फिर वो 1 साल में मैंने कंप्लीट किया. अच्छा मैम, बात आती है, आपने न्यूज़पेपर का भी जिक्र किया. न्यूज़पेपर शुरुआत में ग्रेजुएशन करने स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पर द हिंदू का बड़ा करेज होता है तो मंगवा लेते हैं, कई दिन आता है फिर बोर हो जाते हैं और उसके बाद है जो छोड़ देते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर का तो रहता ही है, रोल तो रहता है UPSC जर्नी. तो आपने मतलब कैसे न्यूज़पेपर को कैसे रीड किया? यहाँ पर 2-3 घंटे लगते हैं, आपने कैसे रीड किया और कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को, आपकी क्या सजेशन? मैंने काफ़ी लाइटली उसको पढ़ती थी, एज एन इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी थी. क्योंकि अगर आप शुरुआत से ऐसे पढ़ेंगे कि उसको किताब की तरह पढ़ेंगे तो आपका 4-5 घंटे ही निकल जाएंगे न्यूज़पेपर में, मिनिमम 2 घंटे तो शुरुआत में लगते ही हैं. तो मैंने शुरुआत में कोशिश ये की थी कि मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया उसको पढ़ने का. फिर धीरे धीरे करके 2 घंटे से मेरा 1.5 घंटा हुआ. नाउ आई कैन रीड इट इन 1/2 आवर 45 मिनट्स. तो एज
मतलब जैसे आपका प्रैक्टिस होता है धीरे धीरे करके, आप जैसे जैसे नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं और आपकी हैबिट बन जाती है सुबह की, तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक पार्ट बन जाता है आपकी लाइफ का. आपको एक अलग से नहीं पढ़ना पड़ता कि एक हिंदू हमें शिट एक चीज़ पढ़नी है दिन में, ऐसा नहीं रह जाता. वो एक आपका लाइफ का पार्ट बन जाता है. एंड फिर कुछ टाइम बाद ना आपको ऐसा लगने लगता है कि आप हिंदू नहीं पढ़ा, कुछ कमी हो गई, मतलब नहीं पढ़ा, तो आप उसको बस थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए. शुरुआत में डिफ़िकल्ट होगा, सबके लिए होता है. तो अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं, इट्स ओके. कभी कभी 3 घंटे भी लग सकते हैं. तो धीरे, मतलब शुरुआत में आप लोड मत लीजिए कि आपको वो ख़त्म करना है, जल्दी ही करना है, आधे घंटे में ख़त्म करना है. इट्स ओके, टेक योर टाइम, जस्ट ट्राई टू डेवलप सम इंटरेस्ट इन इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ आप उसको आराम से जल्दी कवर कर सकते हैं. अच्छा मैम, न्यूज़पेपर बात कर ही रहे थे, तो मैम कई मेंटर्स कहते हैं, कई टॉपर्स कहते हैं, थोड़ा बहुत इकोनॉमी और IR का नॉलेज हो तब न्यूज़पेपर को पढ़ने में मज़ा आता है. तो आपने मतलब कि उससे पहले आपकी 12th में क्या सब्जेक्ट रहे होंगे, और वही सब्जेक्ट रहे क्या इकोनॉमी और IR? तो खैर नहीं होता है, तो मतलब कि उसको क्या पढ़ना ज़रूरी है, इकोनॉमी और IR को पढ़ना ज़रूरी है या फिर? जी एक्चुअली आपने ठीक बोला, क्योंकि इकोनॉमी और IR की जो टॉपिक्स होते हैं मैंने अखबार में जो होते हैं वो हर एक को नहीं समझ में आते हैं, स्पेशली हिंदू से नहीं आते समझ. तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है. तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज आपको चाहिए होता है उन टॉपिक्स का, इकोनॉमी के टॉपिक्स का आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है. तो इसीलिए शुरुआत में जब तक मुझे नहीं इन सब्जेक्ट्स का इतना नॉलेज था, तो मैं वो वाले पोर्शन थोड़े स्किप कर देती थी, जो समझ में आता था उतना पढ़ती थी. बट धीरे धीरे जब मैंने अपने GS के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा, मुझे वो टॉपिक समझ में आने लगे, फिर ऑटोमेटिकली वो न्यूज़पेपर में भी समझ में आने शुरू हो जाता है. एंड फिर वो आपको एक बर्डन नहीं लगता, आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है. तो वो बहुत नेचुरली सबके साथ हो जाता है. बट मेरे केस में भी मैंने शुरुआत में वो नहीं पढ़ पाती थी, छोड़ दिया था मैंने. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जब समझ में आने लगी तो चीज़ें मैंने इंटरेस्ट के साथ वो डेवलप हो गया. अच्छा मैम, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में हो या कोई भी एस्पायरेंट जो UPSC का हो और तैयारी शुरू करता है, वो NCERT शुरू करता है. NCERT को बेस्ट माना जाता है. तो आपने NCERT कब से स्टार्ट की, पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है, और कहाँ से पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए NCERT से? NCERTs आर इम्पॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी चाहिए. अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो आप NCERT स्किप कर सकते हैं. बट किसी को अगर बेस नहीं, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी की, तो वो डेफिनेटली NCERT से शुरुआत कर सकता है. बट यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को वो चीज़ें पता है पहले से, उसने ग्रेजुएशन में की है या फिर उससे पहले अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप NCERTs डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं. बट NCERTs का रोल थोड़ा आपका बस बेस बनाने के लिए रहता है. एंड उसमें आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, वो आपको इतने ईजीली नहीं समझ आती. तो कुछ कुछ चीज़ें NCERT से काफ़ी ज़्यादा अच्छी से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाती है. तो अगर मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, या नहीं समझ में आते टॉपिक्स पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत के, या फिर किसी और चीज़ के, तो आप NCERT से शुरुआत कर सकते हैं. अच्छा मैम, NCERT के NCERT से रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि कहाँ से शुरुआत करें, 6th की लेके बैठ जाते हैं या फिर 9th की, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए NCERT की, और कौन सी जैसे सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी NCERT पढ़नी चाहिए? सो जो आपका 6th में आप पढ़ते हो वो थोड़ा रिपीट होता है आपका 9th 10th उसमें भी. तो आप मेरे ख्याल से आप NCERT का क्लास मत देखिए 6th से करें, 7th से करें. आप टॉपिक्स देखिए कि आपका एंशियंट आपको कहाँ से कवर करना ईजी लग रहा है. अगर आपको यू नो 9th 10th की बुक समझ में आ रही है NCERT की, एंशियंट पीरियड आपको समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से कर लीजिए. अगर आपको वो थोड़ा सा वहाँ से भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप 6th क्लास के लेवल पर चले जाइए. तो ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो. आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए, तो वो टॉपिक आपको कहीं से भी समझ आए आप वो कर सकते हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 6th से शुरू कर दीजिए अगर आपको ऊपर की क्लासेस का समझ में आ रहा है, क्योंकि वो रिपीट होता है. अगर आपको वहाँ से आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप बेसिक से हमेशा शुरू कर सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है. अच्छा मैम, बात आती है स्ट्रेटजी की. स्ट्रेटजी में आपने प्रीलिम्स के लिए क्या किया, क्योंकि प्रीलिम्स अभी जो CSET है, CSET बहुत टफ होता जा रहा है, एस्पिरेंट नहीं निकाल पाते, इस बार भी बड़ा टफ माना बता रहे, तो CSET के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही?
जी सी सैट तो डेफिनेटली बहुत टफ होता जा रहा है, इवन मेरे लिए भी बहुत टफ था वो, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं. और आप मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं, वो जनरली मैथ्स का पोर्शन अटेम्प्ट करके चले जाते हैं एंड वो जनरली कॉम्प्रिहेंशंस पे ध्यान नहीं देते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कॉम्प्रिहेंशंस को भी उसी का उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए और आप हमेशा उन क्वेश्चंस में से छाट लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है. तो यू नो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा छोड़ना है. और आपको बस एक बार ये देखना है कि आपका एक बार स्कोर कट ऑफ क्लियर होती है देन आप रुक जाइए, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है. तो ऑलवेज फाइंड द ईजिएस्ट क्वेश्चन विच यू कैन अटेम्प्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हेल्प कर देते हैं इसमें. और अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप कुछ कोचिंग के टेस्ट लगा लीजिए सी सैट के. एंड मतलब मैं बस यही कहूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर हो जाएगा. और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं हमेशा. तो एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए, एक टाइम मैनेजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन पे इक्वल ध्यान रख के सी सैट थोड़ा हैंडल हो सकता है. अच्छा मैम, टाइम मैनेजमेंट की बात आई. टाइम मैनेजमेंट, एक स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ग्रेजुएशन करके आप भी निकले, तो डिस्ट्रक्शंस कई प्रकार के होते हैं. जैसे कि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें आती है और उनसे जो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? जी मैंने सोशल मीडिया पे कॉलेज टाइम पे मैं थोड़ा टाइम के लिए थी, बट फिर मुझे वो मतलब कई लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के साथ मैनेज कर लेते हैं, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को, बट मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी तो मैंने सोशल मीडिया से सब जगह से बंद कर दिया था. और मैं जनरली सिर्फ अपने दोस्तों से बातें करती थी थोड़े फ्री टाइम में. तो इस तरीके से मैंने अपना डिस्ट्रैक्शन सारे हमेशा मिनिमाइज़ करके रखे. यूट्यूब भी मैं बहुत कम ही देखती थी क्योंकि कई बार आप देखते रहते हो, आपका टाइम आपको पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ये चीज़ इंश्योर करो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है. और अगर आपको लगता है आपका टाइम थोड़ा इधर उधर की चीज़ों में या फिर कहीं वेस्ट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में आप उसको एनालाइज करिए एंड फिर वो चीज़ें आप कट शॉर्ट कर सकते हैं उन पर. मैं ये नहीं कह रही आप पूरा बंद कर दीजिए, बिकॉज हमें भी थोड़ा फ्री टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वरना पढ़ पढ़ के हमारा भी दिमाग ख़राब होता है. तो लेकिन इतना ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखिए, एक लिमिट आप खुद के लिए बांध लीजिए, तो कोई बुराई नहीं है टाइम मैनेजमेंट. अच्छा तो मैम, ये टाइम मैनेजमेंट की बात इधर तो हो गई, लेकिन एग्ज़ाम की यदि बात करें, पिछली बार GS4 का पेपर भी बड़ा लेंदी आया था, उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो एग्ज़ाम के समय आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जी आपने बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट GS4 में मैं टेस्ट जब देती थी मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लेती थी, बट फाइनल में मैं दो क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे क्योंकि वो काफ़ी लेंदी पेपर मुझे लग रहा था और मतलब फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इशू हो गया था. बट आप बस ये ध्यान में रख के चलिए कि एग्ज़ाम के दिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है. जो आप नॉर्मल आप टेस्ट लिखते हो, घर में लिखते हो या फिर कोचिंग में लिखते हो, उसके कंपैरिजन में एग्ज़ाम लेवल का थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है. तो आप बस कूल माइंड से जाइए और आप बस ये सोचिए कि मैं एक और मॉक टेस्ट दे रही हूँ. तो जैसे आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करेंगे कूल माइंड से, वैसे ही आप फाइनल पेपर में परफॉर्म करेंगे. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सेम टाइम मैनेजमेंट जो आप हमेशा अपने मॉक्स में देते रहे हैं, वैसा आपको वहाँ पर भी आप दे पाएंगे. बस प्रेशर थोड़ा सा हैंडल करने का एक पॉइंट रहता है, तो आप बस उस चीज़ का प्रेशर अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, अदरवाइज़ आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं. अच्छा मैम, बात आई आपने मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट अभी जैसे प्रीलिम्स हुआ है और मेंस के लिए, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए प्रीलिम्स के लिए और मॉक टेस्ट के लिए? हाँ मैंने प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी सारे दिए थे, मैंने कम से कम 50-60 मॉक्स दे दिए थे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. बाकी मेंस के लिए मैंने पर सब्जेक्ट, जैसे GS के पर सब्जेक्ट मैंने कम से कम 5 टेस्ट तो दिए थे. तो आप 7x5 35-40 टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैंने दिए थे. तो मैंने मेंस के एक महीने पहले से काफ़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी उन पर. अपार्ट फ्रॉम जो टेस्ट होते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिख के देखे थे. तो जितनी आप द मोर द मेरियर, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप खुद एनालाइज कर पाएँ अपनी प्रोग्रेस. अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस ठीक चल रही है, आपको और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रुक सकते हैं. बट अगर आपको लगता है आपको और देने चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू थिंक यू कैन राइट, एक ही बार में आप लिख सकते हैं. तो ऐसा कोई क्राइटेरिया मेरा नहीं रहता था, मैं हमेशा उतना लिखती थी जितना मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरी प्रोग्रेस इतनी हो रही है, मुझे इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं लिखूंगी तो मैं फाइनली थक जाऊंगी या फिर कुछ. तो
कोई स्वीट स्पॉट नहीं होता कि आप कितना लिखो, आपको जितना ठीक लगता है आप उस हिसाब से आप करिए। ओके मैम, मैम यदि बात आती है आपने एक साल की प्रिपरेशन की बात की, तो आपने कोचिंग वगैरह नहीं की होगी? मैंने एक साल का क्लासरूम कोर्स किया था बाजीराम से, उनका ऑनलाइन क्लासेस ले लिए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर ओपन टेस्ट जो होते थे मैंने वो अटेम्प्ट किए, एंड फिर वो सेल्फ स्टडी के साथ साथ मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, खुद की प्रैक्टिस की, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी। अच्छा, फिर कोचिंग कौन सी ईयर में ज्वाइन की? 2021 आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने कोचिंग भी कर ली, 50-60 मॉक टेस्ट भी दे दिए प्रीलिम्स के, और उसके साथ साथ आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ ली, तो ये मतलब कैसे, कितने घंटे पढ़ते थे? 18 घंटे ही पढ़ते थे क्या? नहीं, मैं अपना जैसे अगर मैं कहूँ कि एक किताब है पूरी लक्ष्मीकांत है, तो अगर आप उसको एक बार में देखेंगे आपको लगेगा भाई इसको तो महीना लग जाएगा ख़त्म होने में, तो मैं उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेती थी कि 5 दिन है और 5 दिन में मैं उसके हिस्से डिवाइड कर लेती थी, उस हिसाब से मैं कवर करती थी। तो ऐसा लगता है सोचने में कि आपको 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ती थी, बट वो मैं कंसिस्टेंटली देती थी, हर रोज़ देती थी। कोई ऐसा नहीं होता था कि मैं आज छोड़ दूँ पढ़ाई, कल नहीं करेंगे। तो अगर आप डेली 8 घंटे भी देते हो ऑन एन एवरेज, किसी दिन कम भी होता है ऐसा नहीं है, तो आप आराम से कर लेते हो, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। अच्छा मैम, बात आती है अपने इसमें, आपने GS1 हो GS2 हो, उसमें बुक लिस्ट की बात आती है, बुक लिस्ट का हर कोई पूछता है, तो बुक लिस्ट आपने कहाँ से फॉलो की, कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए, जैसे GS1 की बात करें, GS2 की बात करें? जी आई थिंक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट तो आपको कहीं भी आप गूगल करेंगे व्हाट आर द स्टैंडर्ड बुक्स टू रीड, आपको हर जगह मिल जाती है। तो जैसे पॉलिटी के लिए जनरली लोग लक्ष्मीकांत रिकमेंड करते हैं, मैंने वो करा, और इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने वो कोचिंग के नोट्स या फिर डिफरेंट कोचिंग के नोट्स का कंपाइलेशंस मैंने लिए थे और मैंने वो कवर कर लिया था। रही बात हिस्ट्री की, लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं किया था, मैंने कोचिंग की एक हमारी बुक थी मैंने वो कवर कर ली थी और उतना काफ़ी मुझे लगा काफ़ी है। तो जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम जैसे आपने बोला, और एंशियंट के लिए मैंने सिर्फ NCERT की थी, तो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स जो गूगल पे हमेशा अवेलेबल रहती है मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही वो किया था प्रिपेयर। इकोनॉमी की जो कोचिंग नहीं करता है, कोचिंग के बिना जो चले उसको बड़ी दिक्कत आती है कि इकोनॉमी कैसे कवर अप करूँगा, तो इकोनॉमी को बिना कोचिंग के करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स होते हैं? मैं ये बोलूँगी कि इकोनॉमिक्स का थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने शुरुआत में ये किया था जब मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैं टॉपिक्स देखती थी कि इकोनॉमिक्स के, मैंने एक नोट्स का कंपाइलेशन ले लिया था, तो मैं उन नोट्स में उसके इंडेक्स में जाके देखती थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो फॉर एग्जांपल रेपो रेट, तो रेपो रेट मुझे नहीं समझ में आया, नोट्स से तो डेफिनेटली नहीं समझ में आया, तो मैं नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस डालती थी कि व्हाट इज़ रेपो रेट, तो वो छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाते थे कभी कभी जो अलग अलग चैनल्स अपलोड करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके मैंने समझने की कोशिश करी, वहाँ से मुझे समझ में आया ओके रेपो रेट ये है, इसमें ये है, फिर मैंने दोबारा नोट्स जब मैंने देखे जो आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स देख सकते हो, अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, फिर उन टॉपिक्स को आप एक एक करके अलग अलग तरीके से आप यूट्यूब पे या फिर क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप उन नोट्स को कवर कीजिए, फिर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है कि आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कवर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग। ओके मैम, बात आती है इसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स है आपने पढ़ी है, उसमें सेलेक्टिव रीडिंग या फिर आपने पूरा ही पढ़ा, सेलेक्टिव रीडिंग आपने कैसे उनका रिवीजन किया, रिवीजन किस प्रकार से किया, और सेलेक्टिव रीडिंग थी या फिर पूरा पेज टू पेज? नहीं, शुरुआत में तो पेज टू पेज पढ़ना ही पड़ता है और शुरुआत में बहुत टाइम भी लगता है किसी भी बुक को कवर करने में, और आप जब दोबारा आते हो उन्हीं सेम बुक्स पे तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो अभी भी, तो कम से कम 3 बार तो मैंने खुद का सिर्फ नॉर्मल रीडिंग की तौर पर किया था उसको समझ, मतलब ऐसा नहीं किया था कि मैं हाथ के हाथ पहली रीडिंग में नोट्स बनाने लगी थी, ऐसा नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने बुक पढ़ी सिर्फ रीडिंग के पर्पस से पढ़ी थी, फिर 2-3 बार के बाद मैंने उसमें से सिलेक्टिव पोर्शंस हाईलाइट करने शुरू करे, फिर एक पॉइंट के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करे उन चीज़ों के, तो वो एक स्टेज वाइज स्टेज प्रोसेस होता है विच यू डू आफ्टर पीरियड, आपको समझ में आने लगता है कि आप जब 3-4 बार पढ़ते हो आपको दिखता है कि कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं, फिर आपको ये डिसाइड खुद से करना पड़ता है कि ये मैं बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ या फिर नोट्स बना के। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लाइक सम पीपल दे रीड बुक डायरेक्टली,
एंड उससे वो अच्छे कवर कर पाते हैं. बट मेरे साथ ये था कि मैं बुक, मुझे लगता था बहुत टाइम ले रही है, तो मैं नोट्स बना लेती थी, उसके शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट से बना लेती थी, तो वो मेरे लिए ईजी रहता था. तो दिस इज़ हाउ आई कवर्ड माई बुक्स. अच्छा मैम, बहुत अच्छे से बताया. इसके बाद आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और आपके ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट था. ग्रेजुएशन में जो DU के हो या किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हो, वो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हैं एज ऑप्शनल. तो उनको क्या करना चाहिए अपने ऑप्शनल को पूरा कवरअप करने के लिए, और आपने क्या क्या किया एक DU का हो या किसी यूनिवर्सिटी का हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को आपकी क्या सजेशंस है? ग्रेजुएशन अगर आपने अपने ही सब्जेक्ट में किया है, वही आप ऑप्शनल ले रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है. बट अगर आप ऑप्शनल अपना स्विच करते हो फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपको, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि दिस ये सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है. बट ऑप्शनल क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एंड उस पर काफ़ी हद तक आपका डिपेंड करता है मीन्स का स्कोर, तो आप इतना इंश्योर करो कि आप ऑप्शनल को उसका ड्यू वेटेज दीजिए, उसको उतना टाइम दीजिए, और उसका आंसर राइटिंग या जो भी, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पता वो कैसे कवर किए जाते हैं. मैं सोशियोलॉजी का बता सकती हूँ कि उसमें मैंने अपने टॉपिक्स कवर किए टॉपिक बाय टॉपिक एंड फिर उसका अच्छे से आंसर राइटिंग किया. उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा मेंस में, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ किए थे अपने ऑप्शनल के लिए. और जब आप ये करते हो तो आपको समझ में आता है कि अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है. तो उस हिसाब से आप हमेशा ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट दे सकते हो आप जिसमें आपको फीडबैक मिलता है. और आप जब आपको फीडबैक मिले, आप कोशिश कीजिए आप उन पॉइंट्स पे वर्क कीजिए एंड फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस तो रहता ही है. तो दिस इज़ हाउ. अच्छा मैम, इंटरव्यू स्टेज की बात आती है, तो इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया, और इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जो आपसे पूछा गया हो आप बता सकते हो तो बताइए. आई मीन इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन तो GS का सारा सिलेबस था ही, बाकी मैंने करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से कर लिए थे बिकॉज इंटरव्यू में आपका करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद का अपना फॉर्म जो DAF था मेरा, मैंने वो अच्छे से प्रिपेयर किया था, अपना स्टेट, अपना सिटी, अपने बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू में काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, और मैं एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा उनको मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे वेटलैंड्स पे क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा था, और एक कोटेशन दिया था कि आप उनकी लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं. तो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे बट वो काफ़ी अच्छे थे एंड आपको अगर थोरो बेस हो तो आप उनको टैकल कर सकते हैं. अच्छा मैम, इंटरव्यू हो गया और उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो गया. मैम टाइम टेबल की बात आती है, आपने टाइम टेबल क्या रहता था, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक क्या टाइम टेबल रहता था? मैं टाइम टेबल तो नहीं रखती थी, आई मीन कई लोग टाइम टेबल रखते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, बट मैं कभी टाइम टेबल से स्टिक करके नहीं रह पाती थी. मैं रोज़ के रोज़ अपने टारगेट्स रखती थी और उन टारगेट्स को ही कंप्लीट करने की कोशिश करती थी, फिर चाहे मैं वो सुबह पढ़ रही हूँ या शाम में पढ़ रही हूँ, तो मैं टाइम टेबल तो नहीं रखती थी जी. मैम उसके बाद यदि बात करें, अभी 2024 में जो अपियर होने जा रहे हैं एस्पिरेंट, उनको आपकी क्या क्या सजेशंस है, और आप लास्ट में कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, हर एक के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या चीज़ काफ़ी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उनके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए. जैसे कई बच्चे होते हैं वो दिन में पसंद करते हैं पढ़ना, रात में करते हैं, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने ये. बाकी मैं बस इतना बोलूँगी कि आप एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ें, रोज़ पढ़ें थोड़ा थोड़ा, भले ही आप पूरे दिन आप 10 घंटे नहीं दे सकते, 8 घंटे मत दीजिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करेंगे तो आप फाइनली अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए. धन्यवाद.